नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ऑल हिंदी मी हेल्प यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मेरे पास एक चैनल ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका लाइव सब्सक्राइबर काउंट जो है कि शो हो रहा है। तो आप अपने चैनल पे कैसे करा सकते हैं, और अपने से काफ़ी यूजर मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये कौन से सॉफ्टवेयर से होते हैं, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊँगा और आप उसको यूज करके बड़ी आसानी से किसी का भी आप अपना या फिर किसी भी चैनल का, जैसे कि टेक्निकल गुरु जी, कोई भी आपका फेवरेट चैनल है वो अपने स्क्रीन पर कास्ट करके अपने चैनल पर लाइव सब्सक्राइबर काउंटर शो करा सकते हैं। और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलेंगे, आपके वीडियो पे ज़्यादा वॉच टाइम और आपके चैनल पे ज़्यादा व्यू भी मिलेंगे। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे OBS सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है लाइव यहाँ पे स्क्रीन कास्ट करने के लिए, अपने कंप्यूटर लैपटॉप का अगर स्क्रीन कास्ट करना चाहते हैं अपने चैनल पे YT पे, तो इससे लाइव जा सकते हैं और इससे आप स्क्रीन भी कास्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीन के अंदर जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 दिख रहा है ना, उसी तरह आप यहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी आपका चैनल फेवरेट, आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 8 तक आप यहाँ पे रख सकते हैं। वो भी आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये 100-200 MB का आएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये YouTube के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है और लगभग सभी कोई यूज करता है OBS सॉफ्टवेयर को। ये आप बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद से डाउनलोड करने के बाद से मैं एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो मेरा सिस्टम स्लो काम करता है। तो ये आप नेट पर सर्च करेंगे कि OBS सॉफ्टवेयर से लाइव कैसे जाएँ, स्क्रीन कास्ट कैसे करें, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद से अगर आप किसी का भी लाइव सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं कितने बढ़ रहे हैं कितने घट रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कोई भी फेवरेट चैनल हो या फिर आपका है, देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल है, बहुत सारी वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च करेंगे यूट्यूब रियल सब्सक्राइबर काउंटर, तो आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट मिल जाएंगे। जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए realtimeyoutube.com पर जाएंगे, यहाँ पर बस URL नाम लिखेंगे और जिसका भी सब्सक्राइबर चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं अमित बड़ाना का देख सकते हैं यहाँ पे लाइव सब्सक्राइबर, जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये यूजर अपने स्क्रीन पे कास्ट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे कास्ट करें, ये पूरा स्क्रीन कास्ट होगा, उसके बाद से यहाँ पे क्रैप कर दें और जितना मन अपने एक स्क्रीन में शो कराना चाहते हैं उतना शो करा सकते हैं। उसके बाद से सेकेंड जो है आप देख सकते हैं livecount.net, यहाँ पे इमेज नहीं आएगा और यहाँ पे लाइव केवल दिखाएगा, आप देख सकते हैं लाइव बीवी की वाइंस का दिखा रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पर देखिए अमित बरान, जो कि सोशल ब्लेड से आप चेक कर सकते हैं लाइव सब्सक्राइब काउंट, और ये सारा स्क्रीन इतना छोटा करके क्रैप करके और अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव जो कि इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लाइव आ सकते हैं OBS सॉफ्टवेयर के थ्रू। यही एक सॉफ्टवेयर है जो कि लाइव कास्ट करा सकते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर, मतलब कहने और भी सॉफ्टवेयर है लेकिन ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, लगभग सब कोई यूज करता है। तो OBS सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आप बस गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपने पूछा था कि कौन से सॉफ्टवेयर से अपने चैनल पर लाइव सब्सक्राइब आ सकते हैं और दिखा सकते हैं, यही सॉफ्टवेयर OBS। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।